सभी को मेरा नमस्ते। मेरे YouTube चैनल सोमकली ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को दो पौधों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। एक है अजेलिया और एक है कमेलिया, और ये दोनों भाई बहन हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, दोनों भाई बहन नहीं है, पर इनके जो गुण हैं वो बिल्कुल सेम। तो मैं आप लोगों को इस पौधे की ओरिजिन बताऊँगी। वैसे तो ये विदेशी पौधा है जो कि सदाबहार फूल है, और ये एरिकेसी परिवार से संबंधित है। ये एशिया, विशेष रूप से चीन, ताइवान और जापान का मूल निवासी है। वैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये पौधा इजीली अवेलेबल नहीं होता हर जगह। ये आता है पौधा कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से। मैंने लिया है बुरादा, सूखे पत्ते और मूँगफली के छिलके। 4-5 महीने पहले मैंने इस पे डाला था सूखा पत्ता, बुरादा और मूँगफली के छिलके। मैं हमेशा मूँगफली के छिलके इकट्ठे करके रखती हूँ, क्योंकि जैसे कि आजकल सर्दी है तो घर पे सभी लोग मूँगफली लाते होंगे, तो उसको आप भी इकट्ठा करके ऐसे ही बारीक करके पौधे में आप उसको डाल सकते हो। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें गोबर क्यों नहीं डाला, और वैसे भी मैं इसमें गोबर नहीं डालती हूँ, क्योंकि गोबर में आप लोगों को पता है कि उसमें केंचुआ होते हैं, जिससे कि वो मिट्टी में जाकर इनके जड़ को हिला देते हैं। और इनके जो जड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, और जड़ इनके कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे हमारे बाल होते हैं, वैसे इन्हीं के जड़ दिखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इनका जो जड़ होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो हिल जाता है, इस वजह से इसमें गोबर भी नहीं डालते। जैसे कि पौधे में कभी भी घास वगैरह, छोटे मोटे घास उग गए हैं, तो आप उसको हाथ के सहारे से निकाल सकते हैं, पर इसमें गुड़ाई नहीं करते और इस पौधे में गुड़ाई भी नहीं करते हैं। मेरे पास पूरे 3 टाइप के अजेलिया हैं, एक डार्क पिंक, लाइट पिंक और वाइट कलर का। जैसे आजकल सर्दी का महीना है तो मैं इन पौधों में सिर्फ एक हफ्ते में एक बार पानी डालती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना स्वस्थ है, और ये पौधा सदाबहार है और ये 12 महीने फूल देता है, और मैं इसका हमेशा केयर करती हूँ। अब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस पौधे को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और ये पौधा एकदम गुलाब के फूल जैसा भी लगता है दूर से, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल है। और आप ये अभी कमेलिया का पौधा देख रहे होंगे, इसके लिए मैंने 10 इंच का गमला लिया है, और ये अजेलिया के लिए मैंने 8 इंच का गमला लिया है। अजेलिया पौधे के लिए जो सॉइल होता है वो एसिडिक होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। ऐसे पौधों से जुड़ी जानकारी मैं आपको देते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।